कुछ लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं के योद्धाओं पर शक करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया कि भारत का आधा इतिहास झूठा है, कि कैसे चमकौर के युद्ध में 40 सिखों ने 10 लाख की मुगल सेना को धूल चटा दी। तो दोस्तों इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, सन 1704 में लड़ा चमकौर का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध है, जिसे औरंगजेब की 10 लाख की सेना को 40 सिखों ने धूल चटा दी थी। उस वक्त तक औरंगजेब भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुका था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को अपने सामने झुकाने का उसका सपना अभी भी बाकी था और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने सेनापति वजीर खान को 10 लाख की सेना के साथ भेजा और तमाम कोशिशों के बाद वजीर खान उस किले तक पहुंचा जहां पर 40 के साथ गुरु गोविंद सिंह अपने दो बेटों के साथ उपस्थित थे। 10 लाख की भारी सेना को देखकर 40 सिख इस बात पर अड़ जाते हैं कि गुरुजी आप अपने दोनों बेटों को लेकर कैसे भी यहां से निकल जाइए, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये दो नहीं आप सभी मेरी संतान है, इसलिए या तो मैं यहां से जीतकर जाऊंगा या शहीद होकर जाऊंगा। और जब युद्ध शुरू हुआ तो एक-एक सिख एक-एक लाख पर भारी पड़ा और इस युद्ध में सभी 40 सिख और गुरुजी के दोनों बेटे भी शहीद हो गए, लेकिन किले के बाहर लाखों मुगल सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। बचे हुए मुगल सैनिक जब किले के अंदर घुसे तो उन्हें कहीं भी गुरु गोविंद सिंह जी नहीं मिले, तो लाखों सिखों के मारे जाने पर भी गुरुजी को नहीं पकड़ पाए, इसीलिए चमकौर युद्ध में सिख विजय।